हेलो फ्रेंड्स, सारा वर्ल्ड ऑनलाइन हो चुका है और अगर आप ऑनलाइन नहीं है, आप बहुत सारा स्टफ मिस कर रहे हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। यू हैव टू बी ऑनलाइन। आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप वेबसाइट बना लें, आप डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करें, आप वीडियोज डालें, यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, शॉर्ट्स डालें, रील्स डालें, फेसबुक पे जाएं, बट इन सब पे कंटेंट डालने के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन कैमरा। सो उसी के लिए ये वीडियो है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोनी ZV-E10 कैमरा की। लेने से पहले मैं बहुत डाइसी था, मैंने बहुत लोगों से एडवाइस ली कि मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैनन, सोनी, निकॉन, कौन सा कैमरा ले, DSLR ले, GoPro एक ऑप्शन आया, लोगों ने कहा GoPro ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आजकल बहुत फेमस है, एक्शन कैमरा है, व्लॉगिंग भी हो जाएगी, ट्रैवल व्लॉगिंग भी हो जाएगी। एंड फिर आईफोन लवर्स ने बोला आईफोन ले लीजिए, आईफोन 14 ले लीजिए। बट बहुत सारा सोचने के बाद मैंने एट लास्ट इस कैमरा में इन्वेस्ट कर दिया। लेने से पहले बहुत सारे सवाल थे, एज अ बिगनर कि इसको ऑपरेट कैसे करूंगा, चलाऊंगा कैसे, हैंडलिंग कैसे होंगे, कैरी कैसे करेंगे, कैसे यूज करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें थी, बट लगा के ले लेना चाहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी तो चढ़े। सो एट लास्ट मैंने इन्वेस्ट कर दिया। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ ही साथ जानेंगे वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने इसे चूज करा, बाकियों को हटा दिया। पहले आ रहा है ये पूरा पैक जो हमें पूरे स्टोर से मिला है, कैमरा के साथ पूरा परचेजिंग के साथ ये चीज़ें मिली हैं। एक एक करके ओपन करते हैं। सबसे पहले इसे साइड कर देते हैं, इसे चेक करते हैं। सो हमारे पास आ गया है ये कैमरा बैग। लेट मी ओपन दिस। एंड ये कैमरा बैग साथ में मिलता है, अगर हम चेक करें, ये स्ट्रैप है इसका। अब इसमें चेक करते हैं स्पेशियस कितना है ये। सो स्पेशियस के मामले में ये इतना अच्छा नहीं है, स्पेस बहुत कम है, बिकॉज अगर आप कैमरा कैरी करते हैं, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने होते हैं, तो आई थिंक दिस स्पेस इज़ लेस। और बैग की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर सोनी लिखा है, फ्रंट में एक पॉकेट दी गई है। पॉकेट भी ओपन करके देख लेते हैं कि कितना इसके अंदर सामान रख सकते हैं। सो बैग इज़ प्रिटी मच एवरेज, ये तो कुछ खास नहीं है। सो इसको कर देते हैं आप साइड। मेन चीज़ कैमरा। सो लुक द अल्फा साइन, अल्फा सीरीज ZV-E10 सोनी। सो अब इसको ओपन करते हैं, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले ये सील मैंने ओपन कर दी थी, तो मेक श्योर जब भी आप खरीदें ये सील्ड हो। एंड नाउ आई एम गोना ओपन दिस। सबसे पहले निकलते ही आता है मेमोरी कार्ड, 64 GB मेमोरी कार्ड मिलता है इसमें, हाई स्पीड मेमोरी कार्ड होता है वो। आपको यहाँ पे हाई स्पीड मेमोरी कार्ड मिलेगा, फिर आप ओपन करेंगे तो इसमें वारंटी कार्ड और कुछ मैनुअल्स, कुछ पेपर्स मिलेंगे आपको। सो यू शुड रीड आउट बिफोर यूजिंग, ये कैसे ऑपरेशन करते हैं इसका। Let me open this. Look, what we got is a charging point, a charging cable. Charging cable मिली है। So this to ये speaker पे, mic पे लगाने के लिए ताकि आपकी voice clear रहे। And here comes the charger. Battery. Strap. Camera के लिए strap मिला है। So this quality is good. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज़, ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा, डाटा केबल टू कनेक्ट विद योर PC आप, ताकि डेटा ट्रांसफ़र कर पाए। सो ये सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट बॉक्स में मिलेंगी इस साइड। अब ओपन करते हैं जो हमारा मेन चीज़ है, जिसके लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। लेट मी ओपन दिस। थोड़ा ध्यान से निकालते हुए इसको भी साइड कर देते हैं। टन टना, हियर इट कम्स, सोनी। अरे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। सो बेस्ट चीज़ इसकी ये बहुत ज़्यादा लाइट है, एंड इसका साइज भी काफ़ी छोटा है। लुक, सो ये हमने कैमरा ओपन कर लिया है। लुक, फ्रंट व्यू ये है एंड बैक व्यू ये है। सो स्क्रीन, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। फ्रंट में आप इसे ओपन कर सकते हैं, क्लोज। इसके साथ ये लेंस आता है, बाकी आप लेंसेज में और इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो पर्पस है, जिसके लिए आप ले रहे हो। एंड दिस स्क्रीन आप इसे देख सकते हैं, एंड बेस्ट थिंग इज कि रोटेशनल है, आप इसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इसके जो फंक्शंस दे रखे हैं। लुक, अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं। ऑन ऑफ का बटन ये है, राइट, रिकॉर्डिंग का,
यहाँ पे आप सेपरेट माइक कनेक्ट कर सकते हैं इसका। वैसे मैंने जितना फीडबैक मिला है मुझे इसका, इसका खुद का माइक भी बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ एन एक्सटर्नल माइक आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बात करें बैटरी के लिए, बैटरी एंड मेमोरी कार्ड की स्पेस ये है, मेमोरी कार्ड आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला है इसका कि बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है एंड इट इज़ वेरी लाइट, यू कैन कैरी। क्योंकि आप जब भी व्लॉगिंग करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सो मेन पर्पज़ होता है आपका कि आपके लिए जितना कम इक्विपमेंट्स कैरी करना हो उतना अच्छा है, इतना लाइट हो। क्योंकि समटाइम्स यू आर ट्रैकिंग, समटाइम्स आप बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ ईजी नहीं है कैरी करना, तो इसको कैरी करना बहुत ईजी है। लुक, दिस इज़ वेरी लाइट एंड द लुक इज़ वेरी स्टनिंग। सो ये है कैमरा एंड मेगा पिक्सल की बात करें तो 24.2 मेगा पिक्सल है एंड 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ये। सो प्रीटी मच ये है सारा कुछ जो बॉक्स में मिला है। अगर आपको कैमरा पसंद आया है एंड व्हाट आर योर कमेंट्स, आप जाके इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। लॉक सो ये था कैमरा की अनबॉक्सिंग। अब जान लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में मैंने इसको क्यों चूज करा। पहला, इसका फीडबैक बहुत अच्छा था। सेकंड, इज वेरी लाइट इन वेट, छोटा है साइज में, इजी है कैरी करने के लिए। आपको व्लॉगिंग के लिए पकड़ना पड़ेगा, बहुत देर कैरी करना पड़ेगा तो भारी स्टफ आप कैरी नहीं कर सकते। सो कंपैटिबिलिटी सेकंड, बहुत बहुत इजी है कैरी करने के लिए। थर्ड, के क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, एक पिक्चर के लिए, एक वीडियो के लिए, एक व्लॉगिंग के लिए, एक यूट्यूब के लिए, किसी शूट के लिए, सिनेमैटिक शूट के लिए, बी रोल्स के लिए, दिस इज द परफेक्ट कैमरा। पिक्चर के लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस वन। आप रिसर्च करें, किसी और कैमरा के लिए जाएं। बट अगर आप वीडियो पर्पज़, व्लॉगिंग पर्पज़, रील्स, शॉर्ट्स इनके लिए चूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, आप इसे ले सकते हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसकी क्लैरिटी, इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसका साइज, इसका वेट, और साथ ही साथ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। सो मार्केट में अराउंड ये आपको 60,000 अराउंड इसके आसपास पड़ जाएगा। एंड ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, अपने मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्टेज हो गई थी इस कैमरा की कोविड के बाद, डिमांड हाई थी, बट एट लास्ट मुझे मिल गया है, आपको भी मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। आप किसी और चीज़ की अनबॉक्सिंग कराना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू, दिस इज़ हर्ष साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।